और अब इस कार्यक्रम का रंग बदलने के लिए देखिए, जैसे जैसे रात बढ़ रही है आपको पता नहीं है, बहुत गहरी होती जा रही है और जो गीत आपके सामने आएंगे आपको लगेगा कि शायद ये ऐसी रात थी जो सालों के बाद फिर से आने वाली है। सालों बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब शायद ये रात आएगी। अब मैं एक ऐसे शायर को बुला रहा हूँ जिसने लाल किले पर परचम फहराया। जब उसने लाल किले पर अपनी शायरी शुरू की, अपने गीत शुरू किए, तो लोगों ने करतल धूनी से उसका स्वागत किया और बार बार लगातार सुनते रहे, बार बार बुलाते रहे। वो शायर बैठता रहा और उसे बुलाया जाता रहा। मैं एक बहुत बड़े मेरे अजीज शायर जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनके शेर एक ही शेर जो है बहुत पसंदीदा है, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। इस शेर के साथ में जिक्र मोमिन का जुबा दाब की गालिब का बयां, जिक्र मोमिन का जुबा दाब की गालिब का बयां, मीर का रंग सुखन हो तो गजल होती है, सिर्फ अल्फाज ही माने करते नहीं पैदा, जज्बे खिदमते फन हो तो गजल होती है। जोरदार तालियां पंकज पलाश जी के लिए। जी पंकज जी, सारस्वत मंच को प्रणाम करता है। पंकज दीक्षित जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को अंतर मन से प्रणाम करता हूँ। और इसलिए और मन होता है कि आपको साष्टांग प्रणाम करूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त कविता के नाम पर जाने क्या क्या हो रहा है। वो लोग समझ रहे हैं हम कविता सुन रहे हैं, कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। नहीं, कवि सम्मेलन ऐसा होता है, कविता ऐसी होती है, गीत ऐसे होते हैं और श्रोता ऐसे होते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में बस जोरदार तालियां बजाएं। बहुत कम समय लूंगा आपका, क्योंकि मुझे शायर कह के खड़ा किया गया तो वो कर्तव्य पूरा कर दूं, उसके बाद एक आध गीत आपको सुनाऊंगा। दो पंक्तियां आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। जो परिंदा मार कर लाया तू खाने के लिए, मुंतजिर एक शब्द होता है, उसका अर्थ होता है प्रतीक्षा रत, इंतजार में। शायर कहता है कि जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए, जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए, उसके बच्चे मुंतजिर बैठे हैं दाने के लिए। जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए, उसके बच्चे मुंतजिर बैठे हैं दाने के लिए, वो कली जो हो गई थी दरिंदे का शिकार, वो कली जो हो गई थी दरिंदे का शिकार, फिर से वो राजी नहीं दुनिया में आने के लिए। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, मैं महिलाओं के दर्द को तो मिस्रों में पिरोने की कोशिश की है मैंने। वो कली जो हो गई थी दरिंदे का शिकार, फिर से वो राजी नहीं दुनिया में आने के लिए। घूरती आंखों ने छीला है मेरा नाजुक बदन, घूरती आंखों ने छीला है मेरा नाजुक बदन, घर से बाहर जब कहीं निकली हूँ जाने के लिए। मजहबों अपनी सियासत ताक में रख दो सुनो, मजहबों अपनी सियासत ताक में रख दो सुनो, एक मोहब्बत की नई दुनिया बसाने के लिए। सितम को प्यार का जज्बा सरासर काट देता है, इस दुनिया को नफरत की नहीं मोहब्बत की जरूरत है दोस्तों। सितम को प्यार का जज्बा सरासर काट देता है, ये वो हीरा है लोहा हो या पत्थर काट देता है। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, एक शेर, इस शेर में इस देश की आजादी का 70 के लगभग वर्ष को गिरोता हूं।
सितम को प्यार का जज्बा सरासर काट देता है, कि वो हीरा है लोहा हो या पत्थर काट देता है। वो एक बच्चा हमारे मुल्क की तस्वीर है सच्ची, बिना कपड़ों के जो माहे दिसंबर काट देता है। बिना कपड़ों के जो माहे दिसंबर काट देता है। उस अफसर की इमारत इसलिए होती गई ऊंची, उस अफसर की इमारत इसलिए होती गई ऊंची, वो जब नक्शा बनाता है तो कुछ घर का उस अफसर की इमारत इसलिए होती गई ऊंची, वो जब नक्शा बनाता है तो कुछ घर काट देता है। बुलंदी पर ही रहने की हमेशा जिद रही उसकी, बुलंदी पर ही रहने की हमेशा जिद रही उसकी, वो अपने साथ उड़ने वालों के पर काट देता है। पर ही रहने की हमेशा सिद्ध रही उसकी, वो अपने साथ उड़ने वालों के। सुखनवर कहते हैं शायर को, हमारे हाथ में पंकज गजल यूं ही नहीं आती, हमारे हाथ में पंकज गजल यूं ही नहीं आती, कई मिसरों को लिख लिख कर सुखनवर काट गया। इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य जो है हमारा बड़ा स्वच्छ स्वस्थ राजनीति का इतिहास रहा, आज भी है स्वच्छ नेता, लेकिन कुछ लोग कुछ चेहरे एक मतलब सुनिए बदलता। इस अजय हुस्ने सियासत पर कई जेवर भी हैं साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी लंबी श्रृंखला उनके बाद। अजय हुस्ने सियासत उसने सियासत पर कई जेवर भी हैं साहब, मगर इस ताश की गद्दी में कुछ जोकर भी हैं साहब। मगर इस ताश की गद्दी में कुछ जोकर भी हैं साहब, सियासी आपके झंडे लगाएं भी कहां आखिर, सियासी आपके झंडे लगाए भी कहां आखिर, यहां आबाद बस्ती में कई बेघर भी हैं साहब, यहां आबाद बस्ती में कई बेघर भी हैं साहब। वीर रस के लोग अपने हिसाब से पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, मैं एक मशवरा देता हूं तो मिश्रा देते हैं, सियासी आपके झंडे लगाए भी कहां आखिर, यहां आबाद बस्ती में कई बेघर भी हैं साहब, हमारे खेत जो सद्भावना की फसल देते हैं, हमारे खेत जो सद्भावना की फसल देते हैं, न भूलो मेड़ पर उनकी जमे पत्थर भी हैं साहब। एक गजल का एक मतला दो शेर, एक गजल का एक मतला दो शेर, उसके बाद मैं सुनाना चाहूंगा। घर से चिड़िया उड़ी परी की तरह, घर से चिड़िया उड़ी परी की तरह, रंज दिल को हुआ खुशी की तरह। इंदौर में पढ़ रहा हूँ यार, इतना अच्छा मतला था, लेकिन आप जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत गहरा शेर था। घर से चिड़िया उड़ी परी की तरह, रंज दिल को हुआ खुशी की तरह, मुंतजिर आंख में नमी की तरह, मुझ में तुम हो किसी कमी की तरह, मुंतजिर आंख में नमी, मुझ में तुम हो किसी कमी की तरह। एक मतलब दो तीन शेर याद आ गए गजल के, सुना देता हूँ। मतलब गजल का यूं के
समय के जख्म सीना चाहता है, समय के जख्म सीना चाहता हूँ, अभी मैं रोड देना चाहता हूँ, अभी मैं और जीना चाहता हूँ, लबे सुकरात बनकर इस हवा का ये सारा जहर पीना चाहता हूँ, लबे सुकरात बनकर इस हवा का ये सारा जहर पीना चाहता हूँ। सरिता दीदी एक शेर आपके कदमों में रखता हूँ, इसे रखता हूँ, ये सारा जहर पीना चाहता हूँ अंधेरे को मिटा देने की खातिर, दीदी शेर रखता हूँ, अंधेरे को मिटा देने की खातिर उजाले का पसीना चाहता हूँ, अंधेरे को मिटा देने उजाले का। आप सबकी ओर से अमन अक्षर को एक शेर नजर करता हूँ, भेंट करता हूँ, और मोहब्बत में और दोस्ती में जो गाली दी जाती है वो मेरे शेर में आ गई है। उजाले का पसीना चाहता हूँ सिवा तेरे मिले जो दोस्त भी तो, सिवा तेरे मिले जो दोस्त भी तो, तेरे जैसा कमीना चाहता हूँ। तेरे जैसा कमीना चाहता हूँ, फकीरी दोस्तों एक बात याद आ गई, बहुत मन से एक बात कहता हूँ, मैं आज यहाँ आकर बहुत आह्लादित हूँ, गदगद हूँ, और आदरणीय सरिता दीदी शर्मा जी, रमेश शर्मा जी की उपस्थिति तो मुझे खुशी दे ही रही है, लेकिन आज वो शख्स मुकुटमणिराज जी जिनने 20 से भी अधिक वर्ष पहले इस नाची शायर को तखल्लुस दिया था, अपना पंकज को पलाश जिसने किया, वो मुकुटमणिराज जी, जोरदार ताली मुकुटमणिराज साहब के लिए बजा। यहाँ बहुत सारे युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, कई लोग हैं जो आई लव यू कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने बरसों से कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन मेरा दावा है आज आप कहेंगे, मेरे महबूब, आपके महबूब, अपने सबके महबूब, तिरंगे की शान में गीत पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक बार जब भी तुकांत की पंक्ति आए तो आप भी आई लव यू शब्द का आप भी मेरे साथ दोहराव करें, एक बार मुझे इजाजत दें तो मैं गीत गाऊंगा। पंकज जी का जो गीत है, आप जब तक इसके साथ डूबेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, और खूब मजा आएगा। तू मोहक अनुपम लाखों में, भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, इतने बढ़ाओ, बहुत लोग इस वाले हैं। तू मोहक अनुपम लाखों में, तेरी चाहत है पंखों में, तू इंद्रधनुष से भी ऊंचा मेरे सपनों की आंखों में, दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान, तिरंगे आई लव यू, दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान, तिरंगे आई लव यू, ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान, तिरंगे आई लव यू, जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू। तीन रंग हमारे तिरंगे के, तू लगता श्वेत परी जैसे। मित्रों देशभक्ति ओज रस में लिखना, आपने बहुत गीत सुने होंगे, लेकिन मैंने श्रृंगार रस का फुट देते हुए देशभक्ति गीत लिखने की कोशिश की है। तू लगता श्वेत परी जैसे हो गजरा अमन कबालों में, बासंती चूड़ा ये तेरा है शौर्य भरे मतवालों में, हरियाला चल ये तेरा धरती की चूनर धानी सा,
के रूप सलोना मन तेरा गंगा के निर्मल पानी सा, ये रोम रोम करता तेरा यश गान तिरंगे आई लव यू, ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू। इस मन को बहुत लुभाती है हर एक उदा तेरी मतवाली, तेरी ही खुशबू से महके इस गुलशन की डाली डाली, कितने ही मरते हैं तुझ पर उस यौवन से भरपूर है तू, तेरे पथ में जितनी उजड़ी उन मांगों का सिंदूर है तो। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत खूबसूरत गीत हो रहा है और बेहद संगीती वाली ये रात है। जोरदार तालियां बजाकर पंडित जी को बताइए कि ये एक बेहतरीन शायर है आपके। इस मन को बहुत लुभाती है और एक अदा तेरी मतवाली, तेरी ही खुशबू से महके इस गुलशन की डाली डाली, इतने ही मरते हैं तुझ पर उस यौवन से भरपूर है तू, तेरे पथ में जितनी उजड़ी उन मांगों का सिंदूर है तू, करते आए श्रृंगार तेरा बलिदान तिरंगे आई लव यू, ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू। आखिरी बंद आपके चरणों में रखता हूँ गीत का, बड़े मन से आप सुन रहे हैं। तू नवरस छंदों में स्वर में, तू नवरस छंदों में स्वर में, तू ईद दिवाली फागों में, तू छम छम पायल मीरा की, तू रागों में अनुरागों में, विज्ञान कला में पारंगत है धर्मशील तू प्राणी तू, हे आर्य भक्त का गणित कहीं पावन संतों की वाणी तू, तू जीवन मंथन से निकला, तू जीवन मंथन से निकला हर ज्ञान तिरंगे आई लव यू। थोड़ा घनत्व बढ़ाइए। तू जीवन मंथन से निकला हर ज्ञान तिरंगे आई लव यू, ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग आज्ञा दें तो दो तीन मिनट का स्वागत। एक दर्शन से जुड़ा हुआ गीत, क्योंकि बड़े महनी लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बुद्धिजीवी और संस्कारित श्रोता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब आप हाथ आ ही गए हैं, मुझे एक मतलब याद आ गया मेरी गजल का कि दिल से आगे का सफर तय करके जहां तक आइए, दिल से आगे का सफर तय करके जहां तक आइए, आप जब आ ही गए हैं तो यहां तक आइए। दर्शन से जुड़ा हुआ गीत, दो तीन चार मिनट आपके बीच और उसके बाद अपनी जगह लूंगा। जल धरा गगन मिले,
जल धरा गगन मिले, अग्नि से पवन मिले, गंध रंग रूप सी, रस भरी अनूप सी, ब्रह्म देवता की कल्पना हसीन ख्वाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी, जल धरा गगन मिले। पांच इंद्रियों के साथ वासना जुड़ी हुई, मन के आसमान पे है कामना उड़ी हुई, भाव का जगत जो पार कर गया वो मौन है, ना खबर जो आत्मा सा है दृश्य कौन है, सांस की सहेलियां अनबुझी पहेलियां, दुख की नींव पर खड़ी है सुख की सब हवेलियां, गिरते चढ़ते भाव से जोड़ सी घटाव से, हर हिसाब में सदा रही है बेहिसाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी। बड़े भाग मानुष तन पावा। कबीरदास ने कहा कि चौकी क्यों धरती नहीं, या उन्होंने कहा कि लागा चुनरी में दाग तो पाऊं कैसे। ये आत्मा हमको जिस रूप में इस सृष्टि में पृथ्वी में हमको भेजा था, हम क्या थे और हम क्या हो गए। मुझे चार पंक्तियां मेरी कहीं से याद आ गई है सेरोगेट मदर के हवाले से, लेकिन बीच में काम आ रही है यहां तो मैं उपयोग कर लेता हूं। आज हम उस देश के वासी हैं जहां दूध दही की नदियां बहती थी, नारी की पूजा की जाती थी, आज भी हम करते हैं, लेकिन नारी का वो सम्मान अब मौजूद नहीं है समाज में जो हमारे यहाँ सनातन हमारी संस्कृति थी। हम दूध नहीं बेचते थे, हम माँ की कोख बेचने लग गए। चार पंक्तियां मुझे मैंने कभी कही थी सेरोगेट मदर के हवाले से कि कहां से हम चले थे और कहां तक आ गए हैं हम, कहां से हम चले थे और कहां तक आ गए हैं हम, जहां तहजीब दम तोड़े वहां तक आ गए हैं हम, जहां तहजीब दम तोड़े वहां तक आ गए हैं हम। मुझे इस दौर की ये नग्नता हैरान करती है कि माँ की कोख को लेकर दुकान तक आ गए हैं। तूलिका से प्रेम की इसे था ईश ने गढ़ा, शुद्ध तन पवित्र मन में श्वास पुत्र था मढ़ा, गर्भ से उतर धरा पे दागदार हो गई, राग द्वेष भेदभाव नफरतों में खो गई, हावी स्वार्थ चाह पर वक्त के प्रवाह पर, विक्रमित समाज चल रहा विनाश राह पर, खो चुकी पवित्रता रह गई मनुष्यता, एक कहानी नर्तकी के ढल चुके शबाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी। आखिरी बंद आपके बीच में पढ़ता हूँ, आखिरी एक से डेढ़ मिनट और लेता हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। बड़े मन से सुना, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आखिरी बंदा आप सबके चरणों में इसी इसने प्रेम दुलार और आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ पढ़ता हूँ। ईश की परम कृपा है बड़े भाग मानुष तन पावा, ईश की परम कृपा है जिंदगी ये मान ले, मिल गई है भाग से तो मोल इसका जान ले, दूर जा रही है जिंदगी से पुकार ले, प्रेम का सजा के थाल आरती उतार ले, जल धरा गगन मिले, अग्नि से पवन मिले, गंध रंग रूप सी, रस भरी अनूप सी, ब्रह्म देवता की कल्पना हसीन काव सी, पल दो पल का खेल है ये जिंदगी गुलाब सी। बहुत बहुत धन्यवाद।